पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी ने काफी आपको बताया है और माननीय प्रेमचंद जी ने भी कहा है, लेकिन मुझे पता है कि अगर ये सब कुछ करने की जो ताकत आती है वो आप जैसे सभी कार्यकर्ताओं से आती है और वो ताकत काम करती है। ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ता बंधुओं, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि राजस्थान के विकास की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम धीरे धीरे, जो हमने कहा था, धीरे धीरे हमारे कार्यकर्ताओं के मन के भाव भी निकल करके आए थे और राजस्थान की जनता ने जो भरोसा किया था, मैं कहना चाहता हूं कि जो राजस्थान की जनता ने भरोसा किया वो भरोसा ही नहीं, उन्होंने अंतरात्मा से आशीर्वाद दिया था कि आप करिए, और करते हुए जो संकल्प आपने लिया है उस संकल्प को भी पूरा करने का काम करिए। यह उस जनता का आशीर्वाद है, क्योंकि मैं जहां जाता हूं वहां जिस तरह का सहयोग मिलता है, जिस तरह का उनका भाव प्रकट होता है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता का मन और भाव उससे जुड़ गया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर बार अकाल पड़ता था, लेकिन इस बार राजस्थान में वर्षा भी जिस तरह से हुई है वो आप देख सकते हैं। मैं जापान में था, लेकिन जब मैंने हमारे सिंचाई सेक्रेटरी साहब से पूछा कि हमारे राजस्थान में बांधों की स्थिति क्या है, तो उन्होंने कहा मेरे को कि लगभग 90% बांध फुल हो गए हैं, पानी उनमें से कुछ में से निकाला जा रहा है और 10% रहने वाले हैं, वो भी जब तक आओगे वो भी फुल हो जाओगे, वो भी फुल हो जाएंगे। ये बात मेरे को जब उन्होंने कहा तो मेरे पास में कई लोग बैठे थे, मैंने कहा आप आइए मिठाई खाइए, क्योंकि ईश्वर की कृपा हुई राजस्थान के सारे बांध भर गए हैं, इसकी मैं आपको बधाई देता हूं। मित्रों, जब मन में जज्बा होता है, करने की इच्छा होती है, तो हम सोचते हैं कि ईश्वर भी साथ देता है, और ईश्वर साथ दे रहा है। क्योंकि मैं जब गया था तो दक्षिण कोरिया के अंदर सबसे पहले जब मैं पहुंचा तो वहां मैंने देखा तो जो हमारे एम्बेसडर थे वहां अमित कुमार जी, जब मैं उनसे जाकर के मिला, वो एयरपोर्ट पर जब लेकर के आए वहां बैठे, तो मैंने उनसे वहीं चर्चा प्रारंभ की। कई लोगों ने कहा साहब चाय तो पी लीजिए, पानी पीजिए, उसकी चर्चा बाद में करिए, लेकिन मेरे मन में जो था मैं उसको रोक नहीं पा रहा था। मैंने उनसे कहा कि आप बताइए यहां क्या क्या हम क्या कर सकते हैं और यहां से हमारे यहां निवेश कैसे आ सकता है। उनके साथ 3-4 लोग वहां के प्रमुख भी आए थे, उन्होंने सारी बातें बताई और हमने कहा कि इनसे मिलने का कार्यक्रम आपने बनाया कि नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि हम दोपहर बाद कल हमने एडजस्ट किया है, इनको भी हम बुलाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं जिस और मनोभाव से जो हम गए थे दक्षिण कोरिया के उन सभी लोगों ने, उन उद्योगपतियों ने और वहां की जो कंपनी, उन कंपनियों ने विश्वास दिलाया है, और सबसे बड़ी बात है वो ये है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे जो देश है वो उनकी बात पर भरोसा करते हैं। और जब उन्होंने कहा कि आपके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हमें भरोसा है, पूरे दुनिया में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो दुनिया भरोसा कर रही है, निश्चित रूप से अभी तक हमने सोचा नहीं था
लेकिन हम राजस्थान में निवेश करने का काम करेंगे और राजस्थान और कोरिया के संबंध इस तरह से होंगे। हम जिस तरह से जापान ने जापानी कॉरिडोर हमारा बनाया है निमराना में, इसी तरह से हम कोरिया का भी कॉरिडोर बना के हुए साझेदारी करते हुए हमारे काम को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया क्योंकि वहां मार्बल और ग्रेनाइट नहीं है। हमने कहा आप राजस्थान में आइए, जितना आपको चाहिए उतना हम आपको देंगे। और हमने उनको कहा कि आप वहां भी आइए, वहां भी अपनी उद्योग लगाइए और उनको यहां एक्सपोर्ट करके आप कोरिया में लेकर के आइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस तरह का हमारे मन में जो कल्पना थी, जो भाव था, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली 29 और 30 तारीख को हमारा मुंबई के अंदर था रोड शो। हमने वो रोड शो किया और हमने पहले रोड शो में 4.5 लाख करोड़ से अधिक हमारे एमओयू जो हस्ताक्षर हुए थे। आपको पता है कि पहला हमारा कार्यक्रम था। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में केवल राज्य विकास की नई ऊंचाइयां मिलेंगी बल्कि हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान होंगे। हम जब जापान में गए तो जापान की अर्थव्यवस्था को जब हमने देखा, वहां की स्थिति को हमने देखा, मैं कहना चाहता हूं मित्रों, ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि देश की आजादी के बाद जिस तरह से देश के अंदर जो वातावरण बनना चाहिए था, जिस तरह से हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ना था, कुछ लोगों के कारण हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाया। क्योंकि उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। सबसे ज्यादा अगर देश में सरकार रही तो चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, कांग्रेस की सरकार रही थी, लेकिन उन्होंने कभी इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं देने का कारण वो छोटे छोटे देश जब हम उनको देखते हैं मन में प्रसन्नता होती है, कितने अल्पकाल में वो आज जीडीपी में कहां है, उनकी स्थिति क्या है। लेकिन हम जब हमारे देश की तरफ और प्रदेश की तरफ देखते हैं कि इन सरकारों ने कभी इस तरह के प्रयास नहीं किए कि हमारे लोगों को रोजगार के अवसर मिले, हमारा उद्योग आगे बढ़े या ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, हम ऐसा माहौल बना करके उसको तैयार करें। मुझे पूरा विश्वास है अगले 5 वर्षों में हम अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में सक्षम हो सकेंगे। हमारी कोशिश केवल देश के भीतर ही सीमित नहीं है, हम इस समिट को ग्लोबल समिट बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए अनेक देशों के साथ संपर्क कर वहां के निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया और जापान में आयोजित इन्वेस्टर मीट में हमें जबरदस्त समर्थन मिला है। मैं स्वागत करना चाहता हूं ऐसे दक्षिण कोरिया और जापान के उन निवेशकों का जो खुले मन से राजस्थान को आने के लिए उन्होंने हाँ किया है और हमारा काम आगे बढ़ा है। सियोल में हमने पास्को इंटरनेशनल एजी कॉर्पोरेशन और अन्य कई प्रमुख कंपनियों के साथ सार्थक चर्चा भी हमने की है। साथ ही कोरियन स्टोन एसोसिएशन के साथ राजस्थान से स्टोन के निर्यात को बढ़ावा देने की भी हमारी चर्चा हुई है। सैमसंग हेल्थ केयर ने एआई आधारित उपकरणों के माध्यम से हमारे राज्य के नागरिकों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में भी रुचि दिखाई है। साथ ही एलएक्स इंटरनेशनल और ओरियन कॉर्पोरेशन जैसी बड़ी कंपनियों ने माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना निवेश करने की गंभीर रुचि दिखाई है। यही नहीं, जापान में भी हमारे इन्वेस्टर मीट बहुत सफल रही। टोक्यो और ओसाका में आयोजित बैठकों के दौरान अनेक प्रमुख जापानी कंपनियों से राजस्थान में निवेश पर विस्तृत चर्चा भी हुई है। डाइकिन और नीडेक जैसी कंपनियों के साथ हुई वार्ता ने राजस्थान में नई तकनीकी और उद्योग को लाने के हमारे प्रयास को और सशक्तता से हम लाने का काम इसमें करेंगे, क्योंकि उनकी जिस तरह से हमने उनका देखा, उनकी ऊर्जा और उमंग और लाने के लिए वो यहाँ आने के लिए जिस तरह से ललायत थे। नीमराना की सफलता से आप जापान और
जापान और निमराना डे का आयोजन करने लगे हैं। आपको ध्यान होगा हमारी जो निमराना की जोन है, आपने देखा होगा 12 तारीख को जिसमें मुझे जाने का अवसर मिला। निमराना की सफलता से अब जापान निमराना डे का आयोजन करने लगे हैं। उन्होंने वो दिवस भी मनाया जो हमारे देश और प्रदेश के लिए गौरव की बात भी है। उस निमराना डे में जो जिस तरह से रोड शो हुआ, हमें लगता है कि उनकी और हमारी जो मैत्री है उसको भी और मजबूती मिलेगी। मुंबई और जापान में रहने वाले हमारे प्रवासी राजस्थानी भाई बहनों ने भी बहुत उत्साह से अपनी माटी को कुछ लौटाने की भावना के साथ निवेश में रुचि दिखाई है। मैं कहना चाहता हूं जो काफी समय पहले जापान के अंदर जो हमारे भारतीय लोग थे वो चले गए थे, उनकी भी बहुत बड़ी संख्या में उन कार्यक्रम हुआ, वो सभी लोग आए, उन्होंने अच्छा कार्यक्रम रखा, उनकी भी रुचि है कि वो आए। ये शुरुआती सफलता हमें इस बात को एहसास कराती है कि हम एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज इच्छुक निवेश राज निवेश पोर्टल के माध्यम से राज्य में निवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार ने सिर्फ एमओयू करने में ही नहीं, उसे धरातल पर उतारने में यकीन रखती है। उदाहरण के तौर पर हमने ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार बनाते ही 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए थे। इसके लिए जॉइंट वेंचर बनाने के लिए कैबिनेट द्वारा अनुमति कर जेवी बनाने की प्रक्रिया भी हमने शुरू कर दी है और वो जल्दी होने वाली है। क्योंकि किसी राज्य के विकास के लिए दो बातों का होना आवश्यक है, एक उस राज्य में बिजली की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो, दूसरी पानी की व्यवस्था हो और उसके बाद जमीन हो। यह तीनों ही चीज हमारे पास प्रचुर मात्रा में है। हमने कहा कि बिजली के क्षेत्र में हमने एमओयू किए हैं, पानी के क्षेत्र में भी आपने देखा है जिस तरह से हमारी योजनाएं हमने बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं और जल्दी वो आने वाली है। और जमीन हमारे पास है, हम कह सकते हैं कि राजस्थान का आने वाले समय में निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ने जो आशा और उम्मीद हमसे की थी, हम निश्चित रूप से कहना चाहते हैं उन आशा और उम्मीदों को हम पूरी करेंगे। हम करने में यकीन रखते हैं। हाल ही में एक आपने देखा होगा, एक फिल्म निर्माता मेरे पास आए थे, मैं सेक्रेटरी में बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि साहब इस तरह से आपसे मिलना चाहते हैं। वो मेरे पास आए, उन्होंने अपनी बात बताई। उन्होंने कहा कि साहब काफी समय से, क्योंकि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, मैं राजस्थान के अंदर फिल्म सिटी बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं कम से कम 15 साल से प्रयास कर रहा हूं, मेरे को कहीं कोई जमीन नहीं मिली। मैं एक अच्छा काम करना चाहता हूं, मेरे मन में कल्पना है। मैंने कहा कि आप आइए बैठिए। उन्होंने अपनी बात बताई, हमने हमारे अधिकारियों को निर्देशित किया कि इनको बताइए आज ही जमीन दिखाइए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, वो कई वर्षों से घूम रहा था, कई समय से चक्कर लगा रहा था, जब तक उस दिन हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी। लेकिन जितनी देर में हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई, उतनी देर में वो स्थान देख करके आ गया और हमें जगह भी चिन्हित कर दी। और आज वो फिल्म सिटी लगाने के लिए एमओयू करने को वो तैयार है। हम वर्षों में नहीं, हम दिनों में नहीं, हम घंटों में विश्वास करते हैं। और हमने 4 घंटे के अंदर उसको जमीन दिखाते हुए अलॉट करने का काम किया कि आप आइए, जमीन देखिए और फिल्म सिटी आप लगाइए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, काम करने की इच्छा शक्ति, अगर अच्छे काम के लिए आपकी इच्छा शक्ति होगी तो निश्चित रूप से ईश्वर भी मदद करेगा और जन जन की जो भाव और आत्मा है वो भी आपको आगे करने की बात कहेगी। इसी तरह सरकार में विभिन्न राज्यों और देशों में आने वाले निवेशकों को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने के लिए हमने एक काम और किया है जिससे उसको ठीक तरह से हम उतार सके। हमने हमारी जो जितनी भी कंट्रियां हैं, 25 कंट्रियों के अंदर हमने एक स्थायी रूप से एक आईएएस को लगाया है, स्थायी रूप से, कि वो हमेशा उस कंट्री के सहयोग में रहेगा, उनसे बातचीत करता रहेगा। या भले ही उसका डिपार्टमेंट बदल जाए, उसका ट्रांसफर हो जाए, लेकिन वहां के लिए वो स्थायी है। जब तक वो रिटायरमेंट होता है, जब तक उस देश के लिए स्थायी रहेगा, जिससे उसके उससे संबंध रहेंगे,
कोई भी बात होगी तो उनसे बात करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रदेश के अंदर वो निवेश ला सके, इसके लिए भी हमने सुनिश्चित की है। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान को ना केवल उद्योग केंद्र के रूप में बल्कि एक ऐसी जगह बनाए जहां संभावना और विकास दोनों असीम हो। और मैं कहना चाहता हूं आपसे मेरे भाई और बहनों कि राजस्थान में अपार संभावना है, राजस्थान के अंदर अपार संभावना है, चाहे वो मिनरल के क्षेत्र में हो, खनिज के क्षेत्र में हो, चाहे वो टेक्सटाइल के क्षेत्र में हो, चाहे ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हो, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हो, क्योंकि सूर्य भगवान की हमारे ऊपर कृपा होती है, सूर्य भगवान की कृपा है और हमारे पास जमीन भी बहुत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में राजस्थान में निवेश की संभावनाएं बहुत हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में संभावनाओं को देखते हुए निवेश आएंगे और राजस्थान के अंदर करेंगे। हम दिल्ली में 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को दूसरा बड़ा शो भी करना चाह रहे हैं, उसमें कई देशों के राजदूत सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के उपक्रम के साथ निवेश आकर्षण करने वाले, राज्य के विकास में नया अध्याय लिखने वाली नई नीतियां जारी करने के साथ ही बड़ी कंपनियों से निवेश प्रस्तावों पर चर्चा होगी तथा कई लाख करोड़ रुपए के निवेश भी उसमें हस्ताक्षर होंगे। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हम शीघ्र ही राजस्थान के अंदर कई बहुत बड़े एमओयू करने वाले हैं और हमारा यह लक्ष्य है कि अक्टूबर के पखवाड़े में हम उसे पूरा कर लेंगे। आप सभी का सहयोग निश्चित रूप से इस सफर में बहुत महत्वपूर्ण है और मैं यह चाहता हूं कि हम सब मिलकर के इस यात्राओं को ऊंचाइयों पर ले जाएं। और मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपका जो भाव और मन है राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान के युवाओं के लिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उन ऊंचाइयों को हम छुएंगे। क्योंकि जब मैं बात कर रहा था जापान के अंदर, तो जिस कंपनी से हमारा समझौता होने वाला है, एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने एक कंपनी है, वो तो सिर्फ उसने वायदा किया है कि हम 5 साल के अंदर 15,000 युवकों को जापान के अंदर नौकरी देने का काम करेंगे। 15,000 ये तो एक कंपनी ने वायदा किया है और यही उनकी ट्रेनिंग होगी, यही उनको उनकी भाषा में सिखाने का काम किया जाएगा। और हमने ये भी निर्णय लिया है, क्योंकि जब हम अन्य देशों में गए हैं तो वहां की भाषाएं अलग हैं और भाषाएं अलग होने के कारण कई बातें समझ में नहीं आना, ये भी एक दिक्कत है। हमने सोचा है कि एक हम हमारे राजस्थान के अंदर सभी देशों की भाषाओं के लिए एक हम विद्यालय भी, महाविद्यालय भी खोले, जिससे पूरे देश के लोग आकर के यहाँ पढ़े और हमारे लोगों को उनकी भाषा भी सीखे, जिससे कि वो वहां निवेश भी कर सके, आदान प्रदान भी कर सके, जिससे राजस्थान को और मजबूती मिलेगी। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस और मन भाव से एयरपोर्ट से लेकर के हमारा स्वागत और अभिनंदन किया है, निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी ने मेरे से कहा था, मैंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी ने कहा नहीं आप इतना बड़ा काम करके आए हैं, मैंने कहा आने वाले समय में और भी काम बड़े होने वाले हैं, आपने जिस मन और भाव से एयरपोर्ट से लेकर के यहां तक जो स्वागत और अभिनंदन किया है, मैं इसको मान सकता हूं, क्योंकि एक दो आदमी 10 आदमी कुछ नहीं कर सकते। ये जो करते हैं आपके मन की भावना करती है और वो मन की भावना व्यक्ति के मन को ताकत देती है। और मैं यही कहना चाहता हूं राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की ताकत उनका मन और भाव जिस तरह से है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इन 5 सालों में राजस्थान को ऊंचाइयों पर लेकर के जाने का काम हमारी सरकार करेगी और हम इस निवेश के माध्यम से राजस्थान को मजबूत करने का काम करेंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि 4 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे और जब मैं 6 लाख की कहता हूं तो वहां मुझे लगता है कि जो प्राइवेट तौर पर जो मैंने 6 लाख नौकरियों के लिए कहा है, इसकी संख्या और बढ़ती हुई जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपने जिस तरह से स्वागत और सम्मान किया है उसके लिए माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी को, अध्यक्ष जी की टीम को, सभी हमारे
साथियों को, हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, हमारे कैबिनेट के साथी और आप सभी आमजन को, जो मैं देख रहा था कोई सीकर से, झुंझुनू से और वहां से भी आ गए। मैंने कहा आप कैसे आए? उन्होंने कहा हमें पता आप आ रहे हैं इसलिए हम आप आए हैं। मैं ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको नमन करता हूं, उनको वंदन करता हूं। आपका ये भाव और आपकी आत्मीयता इसी तरह से बनी रहे, निश्चित रूप से राजस्थान को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने का, मोदी जी के सपने को, विकसित भारत और विकसित राजस्थान को पूरा करने का हम हर संभव, हम और हमारी टीम पूरा काम करेगी। इस आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राम।